आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुआ है और इस सब्ज़ी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि अरबी के पत्ते की सब्ज़ी कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अरबी का पत्ता। जब भी आप मार्केट से अरबी का पत्ता खरीदें तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी पत्ता खरीदें, हरे हरे बिल्कुल ताज़े पत्ता खरीदें और ज़्यादा बड़े साइज़ का पत्ते ना खरीदें, बिल्कुल मीडियम साइज़ का पत्ते लें और ताज़ी लें, फ्रेश लें। तो ये देखिए, मैं 250 ग्राम अरबी का पत्ता ले ली हूँ और इसके डंठल को मैं हटा ली हूँ और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो ली हूँ और सारे जो पत्ते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं। तो इन पत्तों को साइड में करेंगे और एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन को छान लेंगे, उसके बाद लेंगे साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह आप नॉर्मल जो लाल मिर्च आती है वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें खट्टा के लिए आमचूर पाउडर ज़रूर डालें, अगर आमचूर पाउडर ना हो तो कच्चा आम हो तो वो ले सकते हैं, नींबू हो तो वो ले सकते हैं। यानी आप इस सब्ज़ी को बनाने के लिए कोई भी खट्टा चीज़ इसमें ज़रूर डालें। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डोल लगा लेंगे, इसका घोल बनाएंगे, यानी हमें एक गाढ़ा घोल बनाना है, ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का मैं घोल बना ली हूँ, बिल्कुल गाढ़ा है, पतला बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक एक पत्ता लेंगे और जो भी बेसन का घोल बनाकर लिए हैं पत्ते में, उसके ऊपर लेप करेंगे इस तरीके से, पूरे पत्ते में फैलाएंगे और एक के ऊपर एक पत्ते को रखते जाएंगे और बेसन का जो घोल बनाकर लिए हैं उसे लगाते जाएंगे इस तरीके से। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे सेम इसी तरीके से करना है। तो फिर दूसरे पत्ते लेंगे, उसे भी अच्छे से रखेंगे और इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 10 पत्ते का भी आप लेयर्स लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पत्ता का लगाएंगे उतनी ही लेयर्स वाली आपकी जो है अरबी के जो पत्ते जो आप बनाएंगे, इसका जो पकौड़ा बनाएंगे उतनी ही लेयर्स वाली बनेंगी। तो एक बार में 6, 7, 8 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। इसके बाद फिर दूसरा पत्ते को भी इसी तरीके से लेयर्स लगाएंगे जिस तरीके से लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे और पत्ते को रखते जाएंगे। तो ये देखिए, इतने सारे पत्ते का मैं लेयर्स लगा ली। अभी इन सभी पत्तों को आसानी से बिल्कुल सावधानी से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और सारे पत्ते का सेम तरीके से हम लोग बनाकर इस तरीके से तैयार करेंगे, ये देखिए, और इसे दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से पत्ते को मोड़ लेंगे। आप चाहें तो ये धागे से इसे बांध भी सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रखूँगी, ये खुलेगा नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके का बनाना है, रोल करेंगे इस टाइप का और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये खुलने का डर है पत्ता, तो आप धागा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक कढ़ाई में पानी डाल करके और एक जाली वाली प्लेट ले ली हूँ और इसके ऊपर इसे रखेंगे और 15 मिनट तक इन्हें भाप में हम पकाएंगे। अब आइए सब्ज़ी के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 रफली कटे हुए प्याज, पूरी 1 गांठ लहसुन की कलियां, 2 दालचीनी, 8 से 10 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 2 लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता,
और 2 चम्मच खड़ा धनिया। तो आइए 15 मिनट हो गए हैं और इन्हें हम चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है भाप में। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे, गर्म गर्म बिल्कुल नहीं निकालेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है। अब इस तरीके से इसे इस शेप में काट लेंगे, ना तो ज़्यादा मोटी काटेंगे ना ज़्यादा पतले काटेंगे, इस तरीके से काट लेंगे। और जब ये ठंडा हो तो ही काटें, तो ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छे से ये कट जाता है। अगर गर्म में आप काटेंगे तो ये टूट सकता है। अब एक पेन लेंगे और इसमें तेल डालेंगे, सरसों के तेल में आप बनाकर देखिएगा, तो सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा एक एक करके इन्हें हम डालेंगे और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक उलट पलट करके इन्हें सेक लेंगे। और एक बार में उतना ही डालेंगे जितना आ सके। तो ये देखिए दोनों साइड से मैं उलट पलट करके इन्हें क्रिस्पी होने तक सेक ली हूँ। अब इन्हें निकाल लेंगे और सारे इसी तरीके से सेक लेंगे। तो सारे अरबी के पत्ते को निकाल लेंगे फ्राई करने के बाद। उसके बाद वापस उसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 2 खड़ी इलायची। उन्हें हल्का क्रश कर लेंगे और जो मसाले पीस कर रखे थे बनाकर उन्हें डालेंगे और थोड़ी देर के लिए मसाले को भून लेंगे। थोड़ी देर भून गया, उसके बाद जब ये थोड़ी देर भून जाएगी उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सरसों का पाउडर। और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मसाले बना पीस करके ले लिए हैं, तो और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। और मिक्स करके मसाले को भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए मसाले जो हैं थोड़ी देर भून गए हैं, 5 मिनट के लिए मैं मसाले को भून ली हूँ। अब एक बार और इन्हें मिक्स करेंगे और इसमें 2 टमाटर को मैं पीस करके ले ली हूँ, यानी 2 टमाटर का मैं प्यूरी बना ली हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 पीसे हुए टमाटर को और फिर से मिक्स करेंगे और नमक डाल करके इन्हें ढक करके मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। यानी तब तक मसाले भूनेंगे जब तक तेल जो है मसाले से अलग ना हो जाए। तो मिक्स करेंगे इन्हें और फिर ढक करके मसाले को भूनेंगे। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और मसाले अच्छे से भून गए हैं, क्योंकि मसाले मैं और भी पहले से भून ली थी और टमाटर डालने के बाद भी मसाले को भून ली हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से मसाले भून गए हैं। अब इसमें 2 कप डालेंगे पानी और वेट करेंगे ग्रेवी में बॉयल आने का। तो ये देखिए मैं 2 कप पानी डाल दी और ग्रेवी में बॉयल आ गया है। जो अरबी के पत्ते के पकौड़े बना के रखे थे उसे डाल देंगे और अरबी के पत्ते के पकौड़े डालने के बाद 2 मिनट तक हम इन्हें ग्रेवी में और पकाएंगे। 2 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और मैं गैस को ऑफ कर दी। और फाइनली फ्रेंड्स बहुत ही सुपर टेस्टी गर्मा गर्म ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बन करके सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।